नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे इस चैनल के अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। आप वो चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके आपके पास नई नई जानकारियाँ और नए नए उपाय आ सके। यदि कोई मुझे कुंडली दिखाना चाहता है, कोई अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं। आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों पर। नवरात्रों में आप अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करें, कैसे अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करें, कैसे आप अपनी विश जो आप चाह रहे हैं वो कैसे पूरी करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक नियम बताऊंगी कि आप यदि नवरात्रे हैं, बहुत शुभ बात है, इसमें आप अपने इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यदि नवरात्रे नहीं भी हैं तो आप नियम बना लीजिए इन नवरात्रों के बाद। एक मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसे यदि आप रोज़ अपने जीवन में शामिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी और आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी होंगी। यदि आप इस मंत्र का जाप करती हैं रोज़ और 7 दिनों इस नवरात्रों में यदि करते हैं तो विशेषकर लाभ होता है। ये मंत्र इस प्रकार है। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान, तुम अम्बे कर दो अमर, जिस पे हो जाओ मेहरबान। काली काल के पंजे से छुड़ाना आनकर, गोरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपूर्णी चिंता तुम मेरी दूर करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारों में तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति तुम देना बड़ा, वैष्णो माता विषय विकारों से लेना बचा। मंगला मंगल करना भवन सदा दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईशा वश मिटाना कर कृपा। चमंडा तुम मुझ पर अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत सुख संपत्ति से मेरे भंडारे भरो। सिर्फ मात्र ये वाली, यदि आप ये मंत्र पढ़ते हैं इन नवरात्रों में तो माँ वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। बिना भोग बिना कुछ चढ़ाए, सिर्फ श्रद्धा विश्वास, और आप अपने मन से यदि ये बोलते हैं तो बहुत शुभ है। मनोकामना सिद्ध करने वाला मंत्र है ये। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी और आप क्या कर सकते हैं। यदि आप इन्हीं नवरात्रों में, ये आप किसी से भी उपाय शेयर ना करें, जिसे प्रॉब्लम है, जो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, जिसे संतान का सुख नहीं मिल रहा, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है। यदि किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और नहीं ठीक हो रही, उनके लिए है कि माँ को कैसे प्रसन्न करें। ये आप घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें। यदि हम इन नवरात्रों में माता को त्रिशूल अर्पित करते हैं, त्रिशूल यदि सोने का हो तो सबसे उत्तम होता है, छोटा सा भी बनवा सकते हैं आपकी यथाशक्ति के अनुसार। यदि वो चांदी का हो तो भी चलेगा, यदि वो पीतल का हो तो भी चलेगा। ये काम तीनों ही करेंगे, लेकिन सोने का सबसे उत्तम माना जाता है कि यदि हम माँ को अर्पित करते हैं, शक्ति स्वरूपा माँ को यदि हम त्रिशूल अर्पित करते हैं तो हमारी जितनी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी होती हैं और माँ हमें वरदान देती है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आप में से जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, ये त्रिशूल अर्पित कीजिए इन नवरात्रों में माँ को और प्रसन्न कीजिए और पूर्ण कीजिए अपनी सारी इच्छाओं। ये करके देखिए और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप सब लोगों की इच्छा पूरी हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आप माँ को नारियल और चुन्नी बांधकर यदि अर्पित करते हैं, यदि जिन लोगों की यथाशक्ति ऐसी नहीं है कि वो सोने का चांदी का या तांबे का भी अर्पित नहीं कर सकते त्रिशूल, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो निराश ना हो आप नारियल ले सकते हैं, जटा वाला नारियल जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, पानी वाला नारियल, और उस पर लाल चुन्नी बांधकर यदि माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, और जितने 9 दिन हैं, 9 नवरात्र हैं, 9 ही आपको नारियल लेने हैं, रोज़ का एक नारियल आप नारियल लीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बोलिए और नारियल को हाथ में पकड़िए और उसके बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और फिर अर्पित कर दीजिए ये एक नारियल रोज़ का, और अपनी प्रॉब्लम बोलिए और माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप ये सब नारियल को ले जाकर, जो भी आपके 9 नारियल होंगे, उनको जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन रोज़ का नारियल हाथ में लेना है, अपनी प्रॉब्लम बोलनी है और माँ को चढ़ाना है, और आप देखिए बड़ी से बड़ी समस्या आपकी कैसे हल होती है। ये सब रामबाण है, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय हैं, बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ है, बहुत समय से
हम ये अपने क्लाइंट्स को भी करवाते आ रहे हैं ये उपाय, और सबको फायदा हुआ है। आप भी इसका लाभ उठाएं, इन नवरात्रों को खाली ना जाने दें, इन नवरात्रों में पूरी कीजिए अपनी मनोकामना। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ। आपकी माता रानी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। धन्यवाद।